अफीम कश्तकारों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। वित्त मंत्रालय द्वारा आज अफीम काश्त वर्ष 2021-22 की नई नीति घोषित कर दी गई। हालांकि इस नीति में किसानों की औसत के आधार की मांग को खारिज कर दिया गया है, लेकिन मार्जिन को बेस रखते हुए इसमें एक नया पैरा भी जोड़ा गया है। इससे सैकड़ों काश्तकारों को पट्टे मिलने की उम्मीद है। इसके अंतर्गत मार्जिन की लिमिट 4.2 MQIM को कम किया गया है। नई शर्त के अनुसार यदि काश्तकार द्वारा अफीम काश्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान 3.7 से 4.2 MQIM रही है तो ऐसे काश्तकार लाइसेंस पाने के हकदार माने गए हैं। इसके अलावा मार्जिन के आधार पर काश्त पट्टा मिल सकेगा। 4.2 से अधिक किंतु 5 MQIM से कम रहने पर 6 आरी तथा 5 से 5.9 से कम रहने पर 10 और 5.9 MQIM से अधिक रहने पर काश्तकार 12 आरी तक का पट्टा लेने का अधिकारी होगा। वहीं 6 और 10 आरी तक 1 और 12 आरी वाले काश्तकार 2 प्लॉट में काश्त कर सकेंगे। इसके अलावा अन्य नियम कायदे पूर्ववत नीति के तहत ही रखे गए हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में नारकोटिक्स के 8 मंडल है। गत वर्ष प्रदेश में 33,144 लाइसेंसी काश्तकार थे। इनमें से अकेले चित्तौड़गढ़ जिले में ही नारकोटिक्स द्वारा लगभग 18,000 पट्टे जारी किए गए थे।